संकल्प रैली की शुरुआत सोनीपत से हुई थी, आज छठी लोकसभा जननायक जनता पार्टी ने कवर करी है और जिस तरह का जोश और उत्साह लोगों में है, मैं मानता हूं कि 5 साल में संगठन को चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने जिस तरह से सशक्त बनाया है, आज उसका नतीजा है। और बूथ पर जो हमने मेंबरशिप में नए सदस्य हर बूथ पर 25 जोड़े, आज नए भी युवा जुड़ रहे हैं और साथ में जो पुराने साथी रहे किन्हीं कारण दूर हुए, उनके भी बड़ी संख्या में जुड़ाव वापस हुए हैं। और मुझे खुशी है कि करनाल के 9 के 9 हलकों में साथियों ने बड़ी अच्छी मेहनत। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कल रात को गरुंडा में थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। कोई नई चीज उनके मुंह से निकली हो तो बताओ। आज के दिन बाबू बेटा अपने से बाहर तो सोच ही नहीं सकते, उनका तो एक आई मी माई सेल्फ का एजेंडा है और उस एजेंडा के ऊपर 10 साल उनने इस प्रदेश को लूटा। 63,000 एकड़ से ज्यादा प्राइवेट बिल्डरों को लैंड एक्वायर करके दी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ लिए इस पे। एक भी भर्ती उनकी सरकार की ऐसी नहीं है जो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन ना करी, युवा के साथ खिलवाड़ किया। और आज के दिन हरियाणा प्रदेश को तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हमने बनाया है। 38,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश में 4 साल में आना बहुत बड़ी बात है। कोविड किसान आंदोलन जैसी मार झेलने के बाद भी उद्योगपति विश्वास जता रहे, तो ये हमारी अच्छी पॉलिसीज का नतीजा है। 14 फसलें हम MSP पर खरीदते हैं, ये हमारे किसान को सशक्त बनाने की बात है। आज मंडी में बैठे आपने कहीं देखा कि कोई किसान ये कहता हो मेरी पेमेंट नहीं आई, आड़ती कहता हो मेरी कमीशन नहीं है? ऑटोमेटेड सिस्टम से पोर्टल के माध्यम से हमने 2 दिन के अंदर इसका डिसबर्समेंट शुरू की। आज पीले राशन कार्ड के लिए किसी को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे पीला राशन कार्ड जिसके भी परिवार की आय 80 से नीचे बन जाता है। बुढ़ापा पेंशन जैसे ही 60 साल का बुजुर्ग होता है 3,000 रुपये उसके खाते में आने लग जाते हैं। फर्द के लिए पटवारी के पीछे घूमना पड़ता था, आज तो 20 रुपये में गांव के किसी CHC सेंटर के, शहर के किसी CHC सेंटर से आदमी अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकाल सकता है। ये हमारे करे काम है और ये लोग तो वो सोच के हैं जो कहते हैं पोर्टल बंद कर देंगे, ये तो चाहते हैं ये बाबूशाही भारी हो, आम आदमी को दफ्तरों के धक्के काटने पड़े। हमने तो 600 से ऊपर सुविधाएं हैं जो आम नागरिक के लिए उसके CHC सेंटर तक पहुंचाने। JP नड्डा पंचकुला में थे, उन्होंने कहा है कि गठबंधन जारी रहेगा, गठबंधन जारी रहेगा, ऐसे में उचाना सीट पे काफी संशय हो जाता है। मैं 4.25 साल हो गए, 28-27 अक्टूबर को शपथ ली थी, उस दिन सुनने लगा था 15 दिन में टूटेगा, 15 दिन में टूटेगा। हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने के लिए दोनों पार्टियों ने बहुत अच्छा काम किया, गठबंधन है आगे भी रहेगा और प्रदेश को और मजबूत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और जीतेगी। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी अपने 10 की 10 सीटों पर काम कर रही है, हम अपनी, वो अपने 90 विधानसभाओं पर काम कर रहे हैं, हम अपनी 90 पर कर रहे हैं, तो दोनों पार्टियां बैठ के फैसला करें। अलायंस जब होता है ये चीज बड़ी साफ है कि बैठ के पार्टियां निर्णय करेगी और कार्यकर्ता उस पर फूल चढ़ाने का काम करें। आप उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे? इजराइल और यूक्रेन भेजने का सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, कौशल रोजगार विभाग हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए बनाया और एक ऐसा कदम है जिसमें अब हमारे पास एक्सपीरियंस्ड युवा भी बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। फॉरेन कॉरपोरेशन विभाग हमने 2 साल पहले इस सरकार में बनाया, बहुत सी एम्बेसीज ऐसी हैं जिनने हमसे संपर्क किया है। मेरे पास स्वयं कनाडा के भी हाई कमिश्नर आए थे, डिप्टी हाई कमिश्नर ब्रिटेन के भी आए थे। वो लोग चाहते हैं कि स्पेसिफिक स्किल सेट का कोई बच्चा हो तो उनके वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और हमने इसीलिए कदम उठाया है कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पर आज एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं और हमारा सशक्त पढ़ा लिखा युवा उस अवसर को अगर फुलफिल कर सकता है तो उसको जरूर ये अवसर हम देने का। आप चुनाव उचाना से ही लड़े, आपके कोई शक है? नहीं, आप बताएं सर। मेरे को तो कोई शक नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी JDP ने हरियाणा की संपदा को लूटा है, जिस तरह से ED की रेड हो रही है। आज उनके विधायक के घर पे रेड होती है, मुझे नहीं लगता कि संपदा हमारे किसी ने लूटी है, उनने लूटी है इसलिए तो रेड हो रही है। और ये मुकदमा कौन सी सरकार का है?
ये मुकदमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम का है, जब माइनिंग बंद हो गई थी करनाल में, यमुनानगर में, और इन लोगों ने इलीगल माइनें चलाने का काम किया। मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को आज इतना भी पता है कि उनके राज में कैसे लूटा जाता था। आज के दिन रॉबर्ट वाड्रा के पेपर गायब हो जाते हैं बैंकों से, ये उनकी लूट को छुपाने के लिए कदम है। मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार ने बड़े क्लियर विजन के साथ पूरे हरियाणा के 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विकास कराया। आज 6800 गाँव के अंदर, 6300 ग्राम पंचायतों के अंदर आज बराबर सामान्य ग्रांट पॉपुलेशन के आधार पर मिलती है। इनके राज में तो ग्रांट भी रोहतक जिले से बाहर नहीं आती थी। आप सोनीपत वालों से जाके तो पूछो, आज खरखोदा को तो विकसित हमने किया है, आज पद्मा के माध्यम से हर ब्लॉक में उद्योग लगे, इसके ऊपर हमारी सरकार का विजन बड़ा क्लियर। 38,000 करोड़ का निवेश आया है। अभी उन्नो मिंडा ने 92 एकड़ जमीन हमसे हाई पावर में खरीदी है। हमारे बीच में यूफ्लेक्स कर एक कंपनी है पानीपत के अंदर, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिएस्टर का प्लांट लगा रही है। मारुति ने अपना प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। एटीएल का प्लांट जनवरी 2025 के अंदर शुरू हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने अपनी नींव रख दी। इतनी कंपनियां हैं जो हरियाणा में कभी सोचती नहीं थी आने का, क्योंकि कांग्रेस के राज में गोलियां चली थी, डंडे चले थे, लोग मरे थे। आज वो खुशी के साथ हमारे प्रदेश की तरफ आते हैं।